नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए देना होगा एंट्रेंस टेस्ट या फिर आपके क्लास 12 के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगे या नहीं। जी हाँ, यह वो सवाल है जो उन सभी स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं जो इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सपना देख रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुई है hindustantimes.com वेबसाइट पर, और उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिससे कहीं ना कहीं आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात दो लाइनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो कि है पीसी जोशी, उन्होंने कह दी है कि इफ़ क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स आर नॉट कंडक्टेड वी विल हैव टू कंडक्ट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट टू इंश्योर दैट एडमिशंस आर मेड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी एंड मेरिट। यह बात साफ कर दी गई है कि अगर क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए तो हम एंट्रेंस की बेस पर ही एडमिशन देंगे ताकि क्वालिटी और मेरिट कॉम्प्रोमाइज ना हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि अगर क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा। और क्या कहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, मैं आपको बताती हूँ। इवन एज अ डिसीजन ऑन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रिमेन पेंडिंग, Delhi University's Computer Center official said that their team would require 2 to 3 months to develop a new admission portal in case the admission is done through entrance test this year. अभी तक कहीं ना कहीं ये decision pending है कि common entrance के through central universities में admission होगा या नहीं, लेकिन Delhi University के जो computer center है वह कहते हैं कि 2 से 3 महीने का समय हमें चाहिए एक नया एडमिशन पोर्टल डेवलप करने के लिए अगर इस साल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो। विद द सेकंड वेव ऑफ द पेंडेमिक कॉजिंग अ डिले इन क्लास 12 एग्जाम्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज अदर स्टेट बोर्ड्स, DU इज वेटिंग फॉर अ फाइनल डिसीजन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच ऑल्सो be dependent on how class students are being evaluated this year. आप सभी जानते हैं सेकेंड वेव हम फेस कर रहे हैं पेंडेमिक की, कोरोना महामारी की, और इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत से एजुकेशन रिलेटेड decisions पेंडिंग हैं, और उनमें से एक है कि एडमिशन किस तरह से होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। वी cannot develop a portal or test it as we have no idea what kind of function would be required of it. संजीव सिंह joint director at Delhi University Computer Center. जो संजीव सिंह है joint director है Delhi University Computer Center के, वो कहते हैं कि हम portal या test as एकदम develop नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं कि इसने करना कैसा, function क्या होगा। Because आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब भी कोई भी entrance test किसी भी course का बनाया जाता है या फिर उसे डेवलप किया जाता है तो उससे पहले बहुत सी मीटिंग्स होती हैं, डिसाइड किया जाता है कौन से क्या आप स्टूडेंट्स में क्वालिटीज़ देखते हैं, कौन सी कॉम्पिटेंसीज आप चेक करना चाहते हैं, और क्या क्या स्टूडेंट्स में चीज़ें हैं जो आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू चेक करना चाहते हैं, और कौन सा लेवल मिनिमम लेवल मानते हैं आप कि इतना स्टूडेंट में इतना मिनिमम अंडरस्टैंडिंग या इतना मिनिमम उसकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए तभी उसे एक कोर्स में एडमिशन मिले। तो बहुत सी चीज़ें हैं वो डिसाइड करनी पड़ती हैं एक कोई भी एंट्रेंस टेस्ट को डेवलप करने से पहले। अपार्ट फ्रॉम द अनसर्टेनिटी ओवर द एग्जाम सिचुएशन, 2 or 3 कोर डेवलपर एंड सिंक्स टीम आर रिकवरिंग फ्रॉम COVID-19. वंस ऑल आर टीम मेंबर्स आर बैक टू वर्क इट शुड टेक अबाउट 8 to 12 weeks टू क्रिएट द एडमिशन पोर्टल। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्योंकि आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि कितना समय लगेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर को स्टार्ट होने में। साफ साफ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर के जॉइंट डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो हमारी 5 डेवलपर्स हैं हमारी टीम में, उनमें से 2 को तो अभी कोरोना है और वो रिकवर कर रहे हैं, तो जब वो ठीक होकर आएंगे उसके बाद हमें 8 से 12 हफ्ते लगेंगे, यानी 2 से 3 महीने हमें लगेंगे एडमिशन पोर्टल को क्रिएट करने में। इसका मतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस अभी बहुत पास नहीं है, इसमें समय लगेगा।
Last year, the Union Ministry of Education formed a committee to look into the modalities of common entrance tests for undergraduate courses at all central universities in accordance with the National Education Policy 2020. The committee has submitted its report and universities are currently waiting for the ministry's response on it. Acting Vice Chancellor P.C. Joshi, who is a member of Central University Common Entrance Test Committee, said such a test would become necessary if class 12 board exams are not conducted this year. देखिए पीसी जोशी जो है वो एट प्रेजेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्टिंग वाइस चांसलर भी हैं और वो मेंबर भी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कमिटी के. उन्होंने कहा है कि भाई अगर क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम नहीं होते तो एंट्रेंस टेस्ट तो कहीं ना कहीं कंपलसरी बन ही जाता है. Delhi University admissions are always dependent upon the board exam results. If the class 12 board exams are not conducted, we will have to conduct the entrance test to ensure that admissions are made without compromising on quality and merit. Delhi University, which has been conducting merit-based admission for a majority of its undergraduate courses, has held multiple deliberations on how the university would adopt the entrance test. We have discussed things at a level and the admission committee has prepared itself for possible scenarios. We will also hold sessions to counsel students on new admission process so that they don't face any inconvenience or stress. Aage PC Joshi kehte hain ki ek bahut hi important point. वो ये कहते हैं कि हमने कहीं ना कहीं इस पर कि अगर एंट्रेंस टेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं हमने उसके लिए थोड़ी तैयारी हमने करी है और अगर फाइनल ये होता है कि हमें एंट्रेंस टेस्ट मतलब बच्चों के क्लास 12 के एग्ज़ाम्स नहीं होते और हमें एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो हम स्टूडेंट्स को काउंसिल करने के लिए स्टूडेंट काउंसलिंग सेशंस भी करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी तरह की इनकन्वीनियंस ना फेस करनी पड़े या फिर स्टूडेंट्स में स्ट्रेस ना हो, स्टूडेंट डोंट स्ट्रेस ना फील करें. और सिंस एंट्रेंस टेस्ट कमिटी विल बी कंडक्टेड बाय एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, which currently conducts the entrance test for 9 undergraduate courses at Delhi University, the university will have to tie up with testing agency to facilitate the admission process. Former Dean Shobha Bagai said that DU will have to look into several modalities. Various matters have to be decided apart from the weightage to be awarded for the entrance test and board exam result. For instance, the student were opting for a stream change, that what kind of test would they opt for if entrance test to be implemented, common entrance test to be implemented, officials would also need to think about many scenarios and making policy decisions. जो हमारी former dean है admission की, उन्होंने कहा कि बहुत modalities पर work करना पड़ेगा कि कितना weightage आप class 12 के exams को देते हो, कितना entrance test को देते हो, कुछ ऐसा भी आपको मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ों पर भी final decision लेना पड़ेगा कि कोई student stream change कर रहा है तो वो किस तरह का test उससे वो से देना पड़ेगा. तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारी चीज़ों पे फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा पॉलिसी डिसीजन को फाइनलाइज करते करते. तो एक बात तो अब क्लियर हो गई है कि अगर इस साल क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कम्प्लीटली एंट्रेंस बेस्ड होगा. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ. ये hindustantimes.com में पब्लिश हुई है. मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट एंड गुड वेबसाइट्स पर अपनी नज़र रखूँ और कोशिश करती हूँ समय समय पर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे प्रोफेसर से बात करूँ ताकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन पर लेकर आऊँ. और अगर आगे मुझे कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड पता चली तो मैं आपके लिए भी लेकर आऊँगी. अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए. नमस्कार.